मूंग मसूर की दाल। आज कोश किचन में हम बनाएंगे मूंग मसूर की दाल। जी हाँ, बहुत ही कॉमन सी चीज है, घर पे बनती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होगी और इसके साथ साथ चौंकाने वाले फायदे कौन कौन से होंगे, ये हम आपको बताएंगे। मसूर की दाल हमने ली है 150 ग्राम और मूंग की दाल हमने ली है 75 ग्राम। इन दोनों दालों को एक साथ धोकर अब हमें इसे सबसे पहले उबालना है। तो अब हमने ये दाल धो ली है और इसे उबालने के लिए रखेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे एक तेजपत्ता जो इसे अच्छी सी खुशबू देगा, इसके पोषक तत्वों को बढ़ाएगा। और साथ ही हम लेंगे थोड़ा सा नमक ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बारे में आपको बता दें कि हल्दी जो है वो एक एंटीबायोटिक का काम करती है, इसीलिए इसको लगभग हर खाने में यूज भी किया जाता है। और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे चढ़ा देना। अब हमने लगा दिया है इसका ढक्कन और गैस चालू करेंगे। 3 सीटी इस प्रेशर कुकर में हम लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे तड़का। 3 सीटियां लग चुकी हैं, अब हम दाल चेक करेंगे और खोलेंगे प्रेशर कुकर। ये देखिए दाल बन गई है। ये जो आप दाल देख रहे हैं, हल्की हल्की जितनी हमें गली चाहिए थी उतनी हो गई है। इसे हाथ से मतलब करछी की मदद से थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे ताकि ये अच्छे से घुट जाए। अब ये करछी से ही हम इस दाल को अच्छे से घोट लेंगे। अगर आपकी दाल थोड़ी सी कच्ची लगे आपको या ज़्यादा आपको गली दाल पसंद हो तो आप जिससे दाल घोटते हैं ना उससे भी आप इसे कर सकते हैं। जी, मथना बोलते हैं हमारे यहाँ, मथ देते हैं। जी जी जी। अब ये देखिए हमें दाल ऐसी ही चाहिए, थोड़ी सी कच्ची कच्ची, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। आपको जैसे पसंद हो आप उतने गला सकते हैं इसे। अब हम इसका तड़का लगाएंगे, तो तड़के की शुरुआत करते हैं। और तड़का आप तड़का पैन में भी लगा सकते हैं, हमने ये बड़ी कढ़ाई ली है क्योंकि हम इसमें टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे और वो अच्छी तरह से इस कढ़ाई में पक जाएंगे। जी, तो अब क्या क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहले हमें घी चाहिए। जी, हम डालेंगे इसमें सबसे पहले घी, अपनी मर्जी मुताबिक आप डाल सकते हैं। ये शुद्ध देसी घी है, घी की फायदा करेगा। जी, घी की बजाय अगर रिफाइंड डालना हो, सरसों का तेल डालना हो, वो डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। पर आजकल हमारे बच्चे और हम खुद बड़े कॉन्शियस से हो गए हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और जो घी है ये हमें बहुत फायदे पहुंचाता है और तेल की तरह इसके नुकसान नहीं होते ज्यादा। देसी घी खाने से वजन नहीं बढ़ता। अगर आपको ये लगता है कि वजन बढ़ता है, देसी घी जब आप कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्यादा खाते हैं या मीठे के साथ खाते हैं तब आपका वजन बढ़ता है। अदरवाइज अगर आप घी अच्छी एक संतुलित मात्रा में लेंगे तो वो आपकी हड्डियों के जोड़ों में चिकनाहट बनाए रखेगा। और क्या क्या है? अब मैं आपको बता दूंगी, जब आप घी का तड़का लगा रहे हो तो आपको घी बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि उसकी जो एक नेचुरल सी खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है। जी, तो यहाँ पे घी हल्का सा गर्म हो गया है। हम यहाँ पर लेंगे 1/2 चम्मच जीरा और आप देख रहे होंगे तड़का नहीं है लेकिन ये धीरे धीरे खुद तड़क जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हमने ली वो बता दूं मैं आपको, 4 हरी मिर्च ली हैं मैंने, इसे लंबा काटा है। इसके अलावा एक बड़ा प्याज बारीक टुकड़ों में काट लिया है। मैंने थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच ही अदरक है जिसे बारीक काटा है और 1 से 1.5 चम्मच ही लहसुन है जिसे मैंने बारीक काटा है। तो अब इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे अदरक और साथ ही डालेंगे लहसुन। आप देख रहे हैं कि सारी चीजें तड़कने लगी है और हम महसूस कर रहे हैं कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। घी के साथ जो तड़का लग रहा है ना फिर उसकी खुशबू जो है, जब हम गांव में होते थे, हरी मिर्च भी आपने डाल दी है, और जब हम गांव में होते थे तो शाम के वक्त जब स्कूल से खेल के जाते थे तो जहां से गलियों से गुजरते थे नफीसा, तो ऐसे ही जो तड़के लगते थे गांव में उनकी महक आती थी और पता चलता था कि खाना बन रहा है और भूख जो है और भी बढ़ जाती थी। तो जब आप खाने को एंजॉय करेंगे, उसके अरोमा को एंजॉय करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी और वो खाना अपने आप आपको टेस्टी भी लगने लग जाएगा। जी, तो तेज आंच पर हम ये अदरक लहसुन हरी मिर्च भून लेंगे करीब 1 मिनट और भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज। प्याज हमने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि प्याज लहसुन अदरक अगर पहले पक जाता है तो ये एक अलग ही इसका अरोमा बनता है, अलग खुशबू होती है, टेस्ट अलग हो जाता है, इसीलिए हमने लहसुन अदरक पहले डाला है। अब ये सारा प्याज डाल देंगे
हल्का हल्का जो लहसुन था वो ब्राउन होने लग गया है, भूरा भूरा सा हो रहा है, और प्याज को भी हल्का सा भूरा या लाल जिसे कहते हैं वो करना है। और इसकी महक जो है वो वाकई में अब यूं लग रहा बस जल्दी से दाल बने और इसको टेस्ट करें, खाया जाए। तो नफीसा फाइनली अब प्याज जो है लाल हो गया है, लाल हो गए हैं, जितने हमें लाल चाहिए थे उतने लाल हो गए हैं। ऐसे में हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर, आंच को कर देंगे धीमा ताकि छींटे ना पड़े। अगर आपने दाल में उबालते वक्त दाल में नमक कम डाला हो तो आप यहाँ पर नमक डाल सकते हैं ताकि जो हमारे टमाटर भी जल्दी गल जाए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी ना हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए या 3-4 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। अब 3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे जो टमाटर थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्के खड़े रहेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और अब वैसे में ये वक्त है कि हम इसमें दाल को शामिल करें और आँच को कम करें। तो ये टेस्टी दाल जो है मूंग और मसूर की लगभग अब तैयार है। अब इस दाल को हम इसमें डालेंगे और आँच बिल्कुल कम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं दाल थोड़ी सी गाढ़ी है, इसमें हम ये जो प्रेशर कुकर में पानी था, दाल लगी हुई थी उसमें पानी डाल के वो पानी हम इसमें डालेंगे आराम से। और चेक कर लें दाल को कितना पानी चाहिए। अब आँच को करेंगे तेज और इसे चलाएंगे ताकि सारी दालें और पानी सारा सब कुछ एक साथ हो जाए। मैं आपको ये तड़का लगाते वक्त, दाल डालते वक्त पैन में एक कहानी बता रही थी कि अवध के राजा थे और उन्हें दाल बहुत पसंद थी। उन्होंने दाल बनाने के लिए अपने दरबार में एक रसोईया नियुक्त किया जो बहुत अच्छी दाल बनाता था। अब उस वक्त के वो शेफ थे तो थोड़े से वो उनको नाज हो गया था खुद पर। उन्होंने कहा कि मैं वही पकवान बनाऊँगा, वही दाल बनाऊँगा जिसे तुरंत खाए, जो भी मैं बनाऊँ उसे आप तुरंत खा लें। तो उन्होंने दाल बनाई मसूर की, और दाल बनाने के बाद उन्होंने राजा का बहुत वेट किया, बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते जब वो थक गया तो उसने वो दाल फेंक दी और कहा कि ये मूँग मसूर की दाल, यानी कि आप इस दाल के लायक ही नहीं थे। जी, तो ये मूँग और मसूर की दाल ये कहाँ से प्रचलन में आया ये भी हमने आपको बता दिया। जी, जी। तो ये दाल आपको गर्म गर्म खानी है, यानी कि दाल तैयार होते ही आपको वेट नहीं करना है, नहीं तो बाद में ये दाल जमने लगती है। हाँ, और बाद में फिर वही होगा, ये मूंग और मसूर की दाल। तो ये दाल जैसे बने आपको गर्मा गर्म खा लेनी है। अब इसमें आप क्या डाल रहे हैं? एक और चीज मैं बता दूं शिवकांत आपको कि जब हम धनिया इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जो उसके नीचे का हिस्सा होता है, जो जड़ की साइड का हिस्सा होता है, लोग उसे काट के फेंक देते हैं। उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। उसमें धनिया की जो पत्तियां होती हैं उससे भी ज्यादा अच्छे पौष्टिक गुण होते हैं। तो उसको जब ये दाल उबल रही है, तेज आंच हम कर चुके हैं, तो इस वाले हिस्से को हम ऐसे वक्त में ही डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए, थोड़ा सा गल जाए और इसका जो अरोमा है वो पूरी दाल में अच्छे से रच बस जाए। जी ठीक, बाकी हम रखेंगे, जब सर्विंग करना होगा तब हम डालेंगे। और इसको भी मिला लेंगे। और देखिए मसूर की दाल में हल्का हल्का धनिया का जो कलर है वो काफी दिखने लग गया है। जी, अब इसको ढककर रख देंगे। और सबसे ज़रूरी बात ऐसे वक्त में आप नमक ज़रूर चेक करें। अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जब बॉईल आ जाएगा एक तो दाल बंद करेंगे। 3 से 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं दाल बॉईल होनी शुरू हो चुकी है। इससे मिला लेंगे वरना ये नीचे से लग जाएगी, और आँच को बंद करेंगे। ऐसे में आप नमक ज़रूर चख लें, नमक अगर कम हो तो नमक ज़्यादा हो जो भी है आप चखें ज़रूर। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरी धनिया, बाकी बचा के रखेंगे सर्विंग के लिए। अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इसे हम 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि जो इसकी खुशबू है दाल में अच्छी तरह से घुल मिल जाए, और इसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो बनकर तैयार है मूंग मसूर की दाल। जी हाँ, और आपको ये रेसिपी कैसे लगी, और खास बात ये कि इस रेसिपी में बताई गई हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट लिखिए, बताइए, सुझाव दीजिए। अगर आपके पास कोई रेसिपी है तो हमें बताइए। इसके साथ साथ
सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।